प्रियंका जी, 6,90,000 करोड़ का बजट भारी भरकम बजट है, ऐतिहासिक बता रही है बीजेपी, उपयोगी बजट बता रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना बड़ा अमाउंट दिखाई तो दे रहा है, किस किस वर्ग के लिए क्या क्या है ये भी दिखाई दे रहा है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन क्या वाकई हकीकत में जमीन पर उतरेगा? देखिए, साधारण सी बात है, इसको अगर आपको कंपेयर करना है तो जो 23 का बजट था उससे उठाकर कंपेयर कर लीजिए। अभी तक कितना पैसा उसमें खर्च किया गया और खर्च किया गया है तो किन किन सेक्शंस में खर्च किया गया है, आप देखिए कि इन्होंने विकास कार्यों पे कितना खर्च किया है, बाकी बेसिक जो जरूरतें होती है जिसमें सैलरीज होती है एम्प्लॉयज की, वो सारी चीजों पे कितना खर्च किया गया है। मुझे लगता है कि अभी 50% फंड भी नहीं खर्च हुआ है और उसका 20% इन्होंने विकास कार्यों पे लगाया है। जो आपके सामने है कि कहीं रोडे धस रही है तो कहीं कुछ हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, शिक्षा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य जो सबसे इम्पोर्टेंट है, महिलाओं की सुरक्षा, उस पर कहीं कोई बजट लगाया गया वो कहीं दिखता और धरातल पर काम करता नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, महिला सुरक्षा अभी भी जस की तस बनी हुई है, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर वन पर है, भुखमरी जैसी चीज उत्तर प्रदेश नंबर वन। आप बताइए कि जहां कोई कुपोषण से बच्चों की मौत हो रही है वहां कहां का ये 7,00,000 करोड़ का बजट, ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? उन बच्चों से पूछे जाके जिनको खाना नहीं नसीब हो रहा है, आप ये बताइए कि युवाओं को क्या दे रहे हैं, रोजगार कितने आपने निकाले? आप कह रहे हैं आप लैपटॉप बांट देंगे, आप एक एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधार पा रहे। एक पेपर निकलता है अगले ही दिन पता चलता है वो लीक हो गया, बच्चों के सारे पैसे और उनकी एनर्जी उनकी मेहनत सब बर्बाद हो जा रही। तो आप कहां तक चीजों को कर पा रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपके सामने, अगर हम पिछले साल के बजट से इस साल के बजट को कंपेयर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चेंजेस है। सरकार जिस तरह से पहले लापरवाह थी उस तरह से अभी भी करना है। किसानों के लिए उनके पास कुछ ठोस कदम नहीं है। आप कहिए कि किसानों के लिए 17,000 किसान पाठशाला आयोजन की बात कही जा रही है। नहीं नहीं, अभी फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं। कितनी फूड प्रोसेसिंग यूनिट आपने लगाई उत्तर प्रदेश में? एक भी नहीं। अभी मैं कल परसों के न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, न जाने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, 19 में से 8 इंडस्ट्रीज बंद हो गई जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। ये हाल है उत्तर प्रदेश के उद्योग का। और बातें हो रही है कि हम 33,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं भाई? आप इतने दिनों से इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? जैसे कि कोरोना के टाइम पे इनका 20,00,000 करोड़ का पैकेज था, किसके हाथ में आया, क्या मिला, आप बेहतर जानते हो। तो मैं समझती हूँ कि ये जनता को सिर्फ मूड बनाने वाली बात है कि बड़ा बजट 7,00,000 करोड़, इंसान सुनेगा तो उसको ये महसूस होगा कि कुछ ना कुछ तो हमारे हिस्से में आना है, पर कुछ नहीं आता। आप देखिए, LIC पर भी टैक्स ले रहे हैं, स्वास्थ्य बीमा पर ये टैक्स ले रहे हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं जिनका जिनको जनता को मिलनी चाहिए क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं हर चीज पर, और उसके अगेंस्ट उनको बेनिफिट क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। इनके बड़े उद्योगपति को तो सारा बेनिफिट मिल जा रहा है, हर कॉन्ट्रैक्ट उनकी जेब में। अभी ये बता रहे थे कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उठाकर वो भी उनकी झोली में डाल देंगे,